एक वचन हम निकालेंगे मरकुस के झील उसका 7 अध्याय उसकी 24 से लेकर 30 तक हमने एक वचन को जहां पर पढ़ना है। आज प्रभु भोज है और प्रभु भोज की मेज में जब हमें शामिल होना होता है तो उससे पहले हमें तैयारी के साथ रहना होता है, और जब हम तैयार होते हैं तब उसका वचन हमारे जीवन में काम करता है, और जब बीज सही जमीन पर गिरता है वो 100 गुना फल लाता है। हालेलुया, कितने गुना? 100 गुना फल लाता है। और मैं बिलीव करता हूं कि आज आप 100 गुना आशीष को प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। सो जैसे ही हम प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर की वचनों को सीखने जा रहे हैं तो मेरी विनती है कि अभी कोई उठ के बाहर नहीं जाना, उठ के अंदर नहीं आना, और आप शांति के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे। जैसे वाणी कहती है कि जब तू परमेश्वर के घर में आए तो पैर क्या करना है? चौकसी के साथ धरना है। जब पांव चौकसी के साथ होगा तब परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेगा। हालेलुया। और आइए हम देखें 24 से लेकर 30 आयत तक जहां पर एक स्त्री के विश्वास का जिक्र आता है, एक बहन के विश्वास का जिक्र आता है, और ये एक खास जाति की एक स्त्री है जिसका नाम जाति का दिया गया है। जा तो ये बहुत खास होगी तो जा फिर ये बहुत छोटी जाति की होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जाति से नहीं बुलाया गया लेकिन इस स्त्री को उसकी जाति के नाम से क्या किया गया? पुकारा गया। और कहा गया कि सुरुफनीखी जाति की स्त्री का विश्वास। विश्वास हम सब करते हैं, विश्वास हम सब करते हैं। विश्वास करना चाहिए क्योंकि विश्वास के बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा हुआ है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, विश्वास ना करने वालों के लिए सब कुछ जो होना होता है वो भी नहीं हो पाता। कहीं कहीं स्थानों में प्रभु यीशु मसीह गया और जाने के बाद वहां पर एक छोटा चमत्कार भी नहीं हुआ। क्या हुआ? बाइबल कहती है उनका विश्वास कम होने के कारण वहां पर प्रभु यीशु कोई भी मिरेकल्स नहीं कर पाए, एक भी चमत्कार वहां नहीं हो पाया क्योंकि वहां विश्वास की कमी थी। लेकिन एक खास विश्वास की बात आज इस जगह पर की जा रही है। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने लोगों को अशुद्ध करने वाली बातों के बारे में बताया, कौन कौन सी चीजें अशुद्ध कर सकती हैं, क्या खाने से, क्या पीने से, क्या पहनने से हम अशुद्ध होते हैं, उसके बारे में जब वो बातें कर रहा था तो वहां प्रभु यीशु मसीह ने जब वहां से आगे निकला तो इस स्त्री के साथ प्रभु का आमना सामना हुआ। जब इस बहन के साथ प्रभु का आमना सामना हुआ तो प्रभु उस समय कहां पे था? सूर और सैदा के देश में था।
सूर और सैदा दो देश हैं, उनके बीच में रूप प्रचार खड़ा था, उसी के बीच में जेबैन के साथ प्रभु की मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो प्रभु यीशु मसीह एक घर में गया और चाहता था कि कोई उसे उस दिन ना मिले। प्रभु यीशु मसीह को जब वो एक घर में गया तो वो चाहते थे कि कोई व्यक्ति भी आज के दिन ये जान ना पाए कि मैं इस घर में हूं, क्योंकि आज कोई भी प्रभु को एक साथ मेल करने के लिए आना भी चाहे तो प्रभु छिप करके बैठने जाते थे। कभी कभी अगर प्रभु उस एकांत में रहा, अकेला रहा, उसके पीछे कारण था उन्होंने काफी समय प्रार्थना में बिताया होगा, काफी समय उन्होंने परमेश्वर की साथ बातें की होगी, अपने पिता के साथ बातें की होगी। और वचन ऐसा सिखाता है जब हम पवित्र कलाम को, पवित्र वचनों को पढ़ते हैं तो प्रभु ने जहां पर भी कहा आज कोई जाने ना कि मैं इस घर में हूं, और उसके बाद परंतु वह शिप ना सका, वह शिप ना सका, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को छिपाना चाहा लेकिन वो शिप नहीं पाया। तो मुझे जहां पर एक अटैचमेंट नजर आ रही है, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत का चानन हो और कोई दिया जला करके टोकरे के नीचे नहीं रखता है परंतु ऊंचे स्थान पर रखता है ताकि सबको क्या मिले, चानन मिले, सबको रोशनी मिले। हालेलुया। आज जगत की रोशनी की बात होती है, हम कहते हैं मैं जगत का चानन हूं, मेरे अंदर रोशनी है, बट वो रोशनी दिखती नहीं है, वो छिपी हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को छिपा नहीं पाया क्योंकि वो जगत का चानन था। दूसरी बात, और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर उसके पांव पर गिर पड़े। जब ये बात छिपानी चाहिए, छिप नहीं पाई, मोहल्ले में, नगर में, शहर में, पूरे गांव में, पूरे इलाके में बात फैल गई कि जहां पर जीसस आए हैं, जहां पर यीशु मसीह आया है, तो पहले कौन आई, ये औरत जिसको जाति का नाम लेकर वहां बुलाया गया। लेकिन वो औरत ढूंढते ढूंढते उस घर में आई और क्या कि उसने आके प्रभु के पांव पर गिर पड़ी, अपना सिर डाल दिया और रोना शुरू किया और प्रभु को बोला मेरी छोटी बेटी में क्या है, दुष्ट आत्मा है, अशुद्ध आत्मा है, उसे निकाल दो, चंगा कर दो। आप ये देखें, आज अगर हमें चंगाई चाहिए तो हम किस प्रकार चंगाई मांगते हैं, हमारा विश्वास कैसा है, और इस स्त्री के विश्वास में और हमारे विश्वास में क्या अंतर है। अंतर जे है, जे जो स्त्री है इसने अपने आप को प्रभु के पांव पर ही गिरा दिया कि अब मैं जहां से उठने वाली नहीं हूं जब तक मेरी बेटी चंगा ना हो जाए। और प्रभु कहती है जे जुनानी और सुरफनिकी जाति की थी उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दो। उसने उससे कहा पहले लड़कों को तृप्त होने दे क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। हालेलुया। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास हम आए और वो कहे कि मैं तुम्हें चंगा नहीं करना चाहता हूं, मैं तुम्हें ब्लेस नहीं करता, मैं तुम्हें आशीष देना नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हें छुटकारा देना नहीं चाहता हूं। ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह जे कहे कि जे जो चंगाई है तेरे लिए नहीं है, जे कुत्तों के लिए, कुत्ता एक जानवर है, बाइबल कहता है कुत्तों से चौकस रहो। लेकिन क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, ये सोचना बहुत जरूरी है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को जहां लिखा
कि पहले लड़कों को क्या करने दो, भर पेट खाना खाने दो। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह उसको चंगा ना करे, उसकी धारणा जय नहीं थी, परंतु अगर वो खास एक जाति से थी, जुनानी थी, सुफनिकी थी, तो प्रभु यीशु चाहते थे कि मैं देखूं इसमें सहने की कितनी शक्ति है, सहन करने की कितनी शक्ति है। आज मसीह जीवन में सहन करने की शक्ति खत्म हो चुकी है। हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं आगे कहीं चला जाऊंगा। पिछले दिनों में एक सिस्टर की डेथ हुई चर्च के अंदर, और जहां पर नए साल की मीटिंग थी, तो एक व्यक्ति ने, सॉरी 26 दिसंबर की आखिरी मीटिंग साल की थी, वो एक भाई आगे बोल रहे जी, उनका फोन आया, अगर आप चंगा कर सकते हो करो, नहीं तो हम कहीं और चले जाएंगे। जिसने मुझे बताया, मुझे उसकी भाषा भी अच्छी नहीं लगी, जिन्होंने फोन किया उसकी भाषा भी अच्छी नहीं लगी। शायद उन्होंने ऐसा ना कहा हो, लेकिन बोलने वाले ने, बताने वाले ने ऐसा बोला हो। मैंने उन्हें बोल दिया, आप उनको बोलो जहां मर्जी ले जाओ, जहां मर्जी, क्योंकि हमने जो हमारे हाथ में नहीं है चंगा करना, जो हमारे हाथ में नहीं है ब्लेस करना, जो हमारे हाथ में नहीं है छुटकारा करना, ये तो प्रभु के हाथ में है। किसके हाथ में जी? प्रभु ने किसको ब्लेस करना और किसको ब्लेस नहीं करना, ये किसी पास्टर के हाथ में नहीं है, ये परमेश्वर के हाथ में है। उसने कब आपको छूना है, उसने कब आपको डिलीवर करना है, उसने कब आपको चंगा करना है। और बाइबल कहती है जब वो ऐसा बोला, शायद उनके लोग उन्हें कहीं तंत्र के पास लेकर गए होंगे, मुझे लगता है कि वो 2-3 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई, नए साल के बाद डेथ हो गई। आज क्या होता है मालूम, आज हमारा विश्वास स्ट्रांग नहीं है, स्थिर नहीं है। हम सिर्फ प्रभु को जज करने के लिए आते हैं, चेक करने के लिए कि शायद अगर मैं चंगा नहीं हुआ तो प्रभु को भी छोड़ के चला जाऊंगा। क्या ये हो सकता है? यीशु मसीह के जो पास आया ये व्यक्ति, ये बहन, इसे चंगा ना करने की नियत थी प्रभु की? नहीं, चंगा करना चाहता था, परंतु पहले उसके विश्वास को वो टेस्ट करना चाहता था। टेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर फेथ, अगर आपका टेस्ट नहीं हुआ तो आप कहीं किसी काम के, आप किसी काम के नहीं हो। विदाउट टेस्ट, विदाउट मेडिकल रिपोर्ट के बिना तो आप देश में भी नहीं जा सकते वर्क करने के लिए। सो बाइबल मुझे और आपको सिखाती है, प्रभु ने उसे बोला लड़कों को पहले तृप्त होने दो, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु जी। अब ये स्त्री क्या कह रही है इस सवाल के बाद, इस बात करने के बाद, अब स्त्री का जवाब क्या है वो सुन लो। कहती है सच है प्रभु, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी से निकल गई। हालेलुया। उसने क्या बोल दिया अपने आप को? प्रभु कोई बात नहीं, अगर 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 कुत्ते रोटी नहीं खा, अगर बच्चे रोटी नहीं खाई ना, जो टेबल के ऊपर से चूरा पूरा नीचे गिरता है, नीचे गिरता है, वो भी तो बच्चे खाकर, वो भी तो बच्चे खाकर क्या करते हैं कुत्ते, अपना पेट भरते हैं। जब ये बात प्रभु ने सुनी, प्रभु को ये बात क्या हुआ, समझ आ गई, ये किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है चंगाई लेने के लिए। बोला हालेलुया, शिफा लेने के लिए। आज हमें शिफा चाहिए, आज हमें चंगाई चाहिए, लेकिन हमारा विश्वास उस लेवल का नहीं है, हमारा विश्वास उतना मजबूत नहीं है, हमारा विश्वास करने का तरीका सही नहीं है। बाइबल लिखा गया है, जब आप इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय की 1 आयत को पढ़ते हो, वहां लिखा हुआ है विश्वास अनदिठी वस्तुओं का क्या है, प्रमाण है। विश्वास करना छोटी सी बात नहीं है, विश्वास बनाना बहुत कठिन बात है।
बहुतों का विश्वास ही नहीं पैदा होता मसीह में, विश्वास बनता ही नहीं है, भटकन लगी रहती, भटकन से अब पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं। अरे भैया कुछ नहीं होने वाला, अगर आप मसीह में मजबूत विश्वास कर सकते हो, आप पहाड़ों को हिला देने की ताकत रखने वाले हो। हालेलुया, आप क्या करने वाले हो? पहाड़ों को हिला देने की ताकत है आपके अंदर, यदि आपके अंदर विश्वास मजबूत है तो। आज विश्वास नहीं है जिस कारण से हम निराशा का जीवन जी रहे हैं, आज विश्वास नहीं है जिस कारण से हमारा जीवन अधूरा है, हम आज विश्वास नहीं है जिस कारण से हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते। किसी ने इसकी निंदा नहीं की लेकिन उसने निंदा को सहन कर लिया, प्रभु यीशु के उन वर्डों को, उन बातों को, जो बातें प्रभु ने बोली थी वो बातों को प्रभु ने अच्छी तरह से समझ लिया कि जे स्त्री का विश्वास छोटा नहीं है। तुरंत प्रभु ने जे बात सुनने के बाद क्या बोला, बोलो, जा तेरी बेटी क्या हो गई, चंगी हो गई। हालेलुया, दुष्टात्मा जब आए तो क्या करना चाहिए हमें, डरना है जहां प्रार्थना करने निकलना है। लिखा जिस समय जे बात का अंगीकार उस स्त्री ने किया कि मेज से गिरने वाले चूरे, है ना, गिरने वाले टुकड़े क्या होते हैं, वो भी वो खा करके पेट भर लेते हैं। और उसी समय प्रभु यीशु ने उसे बोला, उसने उसे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। और उसने अपने घर में जाकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। क्या प्रभु ने हाथ रखे प्रार्थना की? क्या प्रभु उसे घर में चला गया? नहीं गया। क्यों नहीं गया? ओके, बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर इतनी सामर्थ रखता है, अगर वो जहां से बोले कि अमेरिका में कोई चंगा हो रहा है तो वो अमेरिका में चंगा हो जाता है। उसके शब्दों में, उसके वचनों में बहुत ताकत है, बहुत सामर्थ है। उसे समझने की जरूरत है, उसे क्या है, समझने की जरूरत है। जब परमेश्वर आपको बढ़ाता है तो वो आपके विश्वास के द्वारा बढ़ाता है, जब वो आपको चंगा करता है तो आपके विश्वास के द्वारा चंगा करता है, जब आप ब्लेस होते हो तो वो आपके विश्वास के द्वारा क्या होते हैं, ब्लेस होते हो। आपके जीवन में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो गवाही है वो विश्वास के साथ पैदा होती है, विश्वास के बिना पैदा नहीं होती है। मुझे और आपको परमेश्वर पर कैसा बिलीव, कैसा विश्वास करना है, ये होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, आपका फेथ क्या है, आपका विश्वास क्या है, ये समझने की आवश्यकता, समझने की जरूरत है। हालेलुया, जैसे कोई व्यक्ति आज सुबह मिलने के लिए आया, एक मिठाई का डिब्बा लेकर आया, थैंक गॉड, प्रभु को धन्यवाद, बोलता जी हम बेटी मांग रहे थे, प्रभु ने बेटा दे दिया। मैंने बोला जे मत सोचना, जो आप मांगते हो वही प्रभु आपको देगा। कभी कभी वो आपके उल्ट देता है, कभी कभी वो आप जो मांगते हैं वो नहीं मिलता है। आप मांगोगे बेटा आपको बेटी मिलेगी, आप मांगोगे बेटा बेटी मिलेगी, बेटी मांगोगे आपको बेटा मिलेगा। उसे मालूम है उत्तम चीजें कैसे देनी है। बेटा भी उत्तम है, बेटी उससे भी ज्यादा उत्तम है। आमेन, हालेलुया। ओके, बेटी ना हो वंश नहीं बढ़ सकता है, परिवार आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए बाइबल में क्या है, परमेश्वर ने बेटे और बेटियों में कोई अंतर नहीं रखा है। और वचन कहता है विश्वास के द्वारा जब परमेश्वर आपको बढ़ाता है फिर आपको वहां पर लोग आपकी आलोचना भी करना शुरू कर सकते हैं, वो आपको बोल सकते हैं। क्या समय अनुसार हमारा जीवन, अगर कोई हमारी आलोचना करे हमें उसको जवाब देना चाहिए? कोई निंदा करे आपको जवाब देना चाहिए? बल्कि कहती है तुम बुराई के बदले बुराई मत करो। अगर एक व्यक्ति बुरा है, वो आपके विरुद्ध बोलता है, तो आपको उसके विरुद्ध बोलने की आवश्यकता नहीं है। अपना मुंह उसकी आशीष के लिए खोल दो। परमेश्वर जानता है आप कौन और कौन नहीं, वो जानता है आपका करेक्टर कैसा है, आपका लाइफ कैसा है। लेकिन यदि आप मुंह पर जवाब देंगे तो आप में और उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा।
आमेन हालेलुया। आप में और उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। मूसा जब प्रभु ने चुना मूसा को, तब मूसा की कहानी बताती है, मूसा ने बोला परमेश्वर मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, मैं पूरी तरह खल के बोल नहीं सकता हूं, मैं हकला के बोलता हूं, थथुला के बोलता हूं, मेरी जीभ बोटी है, तो मैं कैसे फिरौन के पास जाऊंगा। लेकिन प्रभु बोला तू जाएगा, तू जाएगा। जब परमेश्वर आपको चुनता है अपने काम के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपने कार्यों के लिए, वो आपकी शक्ल नहीं देखता, आपकी पढ़ाई नहीं देखता, आपके जीवन के अंदर कैसी सिचुएशन है वो नहीं देखता है, आप अमीर है, आप गरीब है, आप घर में है या किराए पे है, वो कभी नहीं देखता। वो आपके अंदर से परमेश्वर जो आपके लिए लिखा हुआ है, जो जिस जो आपको बनाना चाहता है वो देखता है, और आप जब उसकी उसकी सुनते हो, परमेश्वर आपको नीचे नहीं लोगों के बीच में ऊंचा खड़ा करता है। हालेलुया। और जब वो आपको ऊंचाइयों पर लेके जाता है, तब क्या करना, वहां पर परमेश्वर के साथ और गहरा रिश्ता बनाना है, और गहरा रिश्ता। मूसा जब परमेश्वर से बातें करने लगा, उसकी अपनी बहन मरियम उसके विरोध में आ गई। कौन आ गया उसके विरोध में? मरियम। जब काइन की फसल अच्छी नहीं उग रही थी, हाबल की बेड़े फलदार हो रही थी, हाबल के विरोध में कौन आ गया? काइन आ गया। जब अब्राहम ब्लेस हुआ, अब्राहम ने हालांकि लूत का हक रखा नहीं था, विश्वास से ही अब्राहम निकला, विश्वास से ही लूत निकला, लेकिन अंतर क्या हो गया, जब अब्राहम और लूत दोनों ब्लेस हुए तो लूत के अंदर घमंड आ गया। उसने बोला, अपने नौकरों को बोला, तुम जाकर लड़ा करो, झगड़ा करो, ताकि हमारा बंटवारा हो जाए। जब अब्राहम ने देखा इनकी आपस में बन नहीं रही है, तो क्या हुआ, अब्राहम ने कहा लूत तुम्हें जो एरिया चुनना है चुन लो, क्योंकि झगड़े में हम रहना नहीं चाहते। लूत ने वो एरिया चुना जो सबसे सुंदर था, जो सबसे हरियाली वाला था, जिसमें हर चीज बनी बनाई मिलती थी, जब जहां पर सब कुछ रेडी था, वो वहां चीज उसने चुन ली। और चुनने के बाद अब्राहम को क्या मिल गया? मरुस्थल मिल गया, बंजर भूमि मिल गई। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से जो वादा किया था, परमेश्वर उसे वहां पर भी ब्लेस करना शुरू कर दिया। हालांकि अब्राहम और लूत के अंदर कोई झगड़ा नहीं था, नौकरों के अंदर था, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को बुद्धि दे दी, अगर कल को ये दोनों में आपके अंदर झगड़ा हो गया तो आपकी ब्लेसिंग जाती रहेगी। झगड़ा करना आप अपनी आशीष को क्या करते हो, खत्म करने के कारण बन जाता है। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा, भाइयों भाइयों का झगड़ा, बहन भाई का झगड़ा, कोई भी झगड़ा जो है, वो झगड़ा आपकी आशीष आपके घर में नहीं रहने देगा। जब तक झगड़ा है ब्लेसिंग नहीं है, जब झगड़ा खत्म हो जाएगा स्वर्ग की आशीषें आपकी लाइफ में डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी, उतरना शुरू हो जाएंगी, और आप ब्लेस होना शुरू हो जाएंगे। वचन कहता है अब्राहम ने उसे अलग देश दे दिया, खुद अलग देश में चला गया, लेकिन जहां अब्राहम रहा वहां विनाश नहीं हुआ, जहां लूत रहा वहां पर क्या हो गया, सब कुछ तहस नहस, सब कुछ खत्म हो गया। लूत का घर चला गया, जमीन चली गई, घर बार चला गया, सब खत्म हो गया। उसे उस देश से बाहर भागना पड़ा। क्या करना पड़ा? बाहर भागना पड़ा। और वचन कहता है जब वो वहां से बाहर भागा तो उसकी पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा, हाय मेरा घर, हाय मेरी प्रॉपर्टी, हाय मेरा जमीन जायदाद। क्या हो गया? वो जैसे ही उसने पीछे पलट के देखा, लिखा गया है उसकी उसी स्थान पर वो नमक का क्या बन गई? खंबा बन गई। हालेलुया। वो नमक का क्या बन गई? खंबा। जब खंबा बन गई तो आप मुझे बताओ, प्रॉपर्टी मिली, आशीष मिली, लेकिन अब्राहम को जहां छोड़ा था, अब्राहम को परमेश्वर ने वहीं से फिर 100 गुना बढ़ाना शुरू कर दिया। आपका वफादारी, आपका विनम्रता, आपका रिश्ता जो प्रभु के साथ है, आपको सब छोड़ के चले जाएं,
आप अकेले रह जाओ, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा आपको। जहां से गिराया जाएगा उसी लोगों के बीच में परमेश्वर आपको 100 गुना बढ़ाएगा, 100 गुना बढ़ाएगा। वो बढ़ाने की ताकत रखता है, वो ताकत में सामर्थ्य है, और वो आपको जहां आपको लोग निराश करते हैं, जहां लोग आपको गिराते हैं, वहीं से हमारा परमेश्वर हमें 100 गुना ब्लेस करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। लूत का नाम बाद में नहीं आया, लूत का नाम उसके बाद में नहीं आया, लूत का नाम आता है। कहते लूत की पत्नी लूत का क्या बन गई, थंबा बन गई, लेकिन वचन कहता है अब्राहम का नाम बाइबल के नए नियम में भी लिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा जे भी अब्राहम की क्या बन गया, संतान बन गया। क्यों? क्योंकि उसने वफादारी बिल्कुल नहीं छोड़ी, विश्वास करना बिल्कुल नहीं छोड़ा। हालांकि वो बांझ था, हालांकि वो बांझ था, हालांकि उसके घर में संतान का फल नहीं था, उसकी पत्नी के पास कोई शांति नहीं थी, लेकिन ब्लेसिंग इतनी थी कि उसके घर से लोग आकर निराश वापस नहीं जाते थे, परंतु वो जो चाहते थे अब्राहम उनके साथ वैसा ही बर्ताव करता था। मुझे और आपको समझना है विश्वास कैसे होगा। अगर जो स्त्री कहती हां मैं कुत्ता हूं, मैं कुत्ती की बच्ची हूं, और वहां से भागती, शायद उसकी बच्ची कभी चंगा ना होती। अगर आज के जमाने में किसी को कह दो तू डोकी है, तो वो आपको 100 गाली देके जा जाएगा, क्योंकि वो कभी भी आपको बख्शेगा नहीं। लेकिन इस स्त्री ने वहां पर अपने विश्वास की कवाल की बताई, और प्रभु यीशु ने उसे कहा हालेलुया जा तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा क्या हो गई, निकल गई। आज कैसा विश्वास है, आज किस प्रकार के विश्वास की बात हम करते हैं। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी की चुगली करता है, एक पास्टर दूसरे पास्टर के विरुद्ध में बोलता है, और कहते हैं हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। हम है क्या विश्वासी। इस थर्सडे को एक प्रभु के दास बहुत ही पुराने समय सेवा कर रहे हैं, और कम से कम 100 से ज्यादा उन्होंने पास्टरों को तैयार करके सेवा भेजा। हम उनके साथ दोनों बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तो उसने बोला जे जो लोग कहते हैं ना माफ करो माफ करो, क्या इनसे पूछना कभी अपनी पत्नी को तूने माफ किया, उनको पूछना उनकी पत्नी ने कभी उनको माफ किया। दूसरों को माफ करते, लेकिन घर के अंदर माफी का कोई नाम नहीं है। घर के अंदर हमारा विश्वास और है, करैक्टर और है, घर के बाहर बहुत अच्छा है। घर के अंदर हम झगड़ा करते हैं, आपस में बढ़ती नहीं है, लेकिन बाहर जा कहते हैं तुम मिलके रहा करो, तुम क्या करो मिलके रहा करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा नबी की गवाही उसके घर से निकल दे। अगर आपके घर के अंदर आपकी टेस्टिमनी आपकी गवाही है, तो वह गवाही आपकी लाइफ में सारी दुनिया में वैसी गवाही होगी। हालेलुया। अगर आपके घर की गवाही खराब है, आप लोगों को जो मर्जी बोलो कोई सुनने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। बाइबल कहती है आपकी लाइफ के अंदर आपके अंदर प्रभु यीशु है या नहीं है, आपको इसके प्रति अच्छी तरह समझना चाहिए। यीशु है तो आप दुनिया के अंदर दूसरों की विरोधताई आलोचना नहीं कर सकते। आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, आप अपने ऊपर बोलो ध्यान देंगे। हमारा करैक्टर हमारा चरित्र कब तक शीतल है, कब तक शुद्ध है, जब तक हम दूसरों के बारे में उल्टा नहीं बोलते हैं। जिस दिन आप बोलना शुरू करोगे जैसा जैसा आप उसके बारे में बोल रहे हो, लोग कोई ना कोई फिर आपके बारे में बोलना शुरू करेंगे। मूसा के बारे में जब चर्चा फैल गई, प्रभु उससे बातें करता है, परमेश्वर उससे बातें करता है, सिनाई पहाड़ पर बातें करता है, और प्रभु ने उसे खड़ा कर दिया है कि तू इसराइल को आजाद करवाएगा मिस्र की गुलामी से। और बाइबल कहती है तभी उन दिनों में क्या हुआ, उसकी बहन मरियम उसके विरुद्ध में हो गई। क्या होगा उसके विरुद्ध में, कहती क्या तुम उससे ज्यादा परमेश्वर से बातें करता है, तू हमसे ज्यादा ज्ञानी है, तू हमसे ज्यादा पवित्र है। हालांकि मरियम आम स्त्री नहीं थी, वो भी खास स्त्री थी, उसको भी परमेश्वर ने चुना हुआ था,
उसके द्वारा परमेश्वर बातें करता था, लेकिन क्या हुआ, वो अपने भाई की तरक्की देखकर क्या हो गई, छल जलन में आ गई। कहती हो तुमसे ज्यादा बातें करता है परमेश्वर, मुझसे नहीं कर सकता, हारून से नहीं कर सकता, तू कौन है। लिखा गया जो जैसे ही वो चीज उसको बोली गई परमेश्वर को पसंद नहीं आई। लिखा गया उसी समय परमेश्वर का क्रोध भड़का और मूसा की बहन मरियम क्या होगी, खोड़ी होगी। कई बार हम ब्लेस नहीं करते हैं, हम ब्लेस नहीं हो पाते, हम माफ नहीं करते, हम माफ किए नहीं जाते। समझना है माफ करने की पावर कितनी है, माफ करने की पावर कितनी है। मैंने दो तीन सप्ताह पहले एक टेस्टमनी दी थी आपको, एक फौजी की टेस्टमनी दी थी आपको, जो फौज के दरमियान लड़ाई के अंदर जब उसके ऊपर गोली चली, उसकी दोनों टांगे चली गई थी, वो चलने के योग्य नहीं रहा, व्हील चेयर पर आ गया था, तो सरकार ने उसे रिटायर कर दिया। तो उसने जब अपने घर में आया तो उसके आने से पहले उसकी पत्नी ने कोई दूसरा व्यक्ति के साथ शादी कर ली थी, और शादी करने के बाद वो घर को ताला मार के वहां से निकल गई थी। और जब अपने घर में आया, घर को लॉक लगा हुआ था, उसने किसे पूछा, जहां मेरी फैमिली थी, जहां मेरे बच्चे थे, जहां मेरा मेरी पत्नी रहती थी। कहते कौन सी पत्नी, वो तो काफी देर से जहां से चली गई है, उसने शादी कर ली है, दूसरा घर बसा लिया है, तू कौन है। बोलता मैं फौजी हूं, मैं उसका पति हूं। वो वहां से अपनी सास ससुराल में गया, उसकी सास को बोला मेरी पत्नी कहाँ है, बोले कौन सी पत्नी, उसने दूसरी शादी कर ली है। तो तब उसको जब ये महसूस हुआ कि मेरे अपने मुझे छोड़ के चले गए, और इस कहानी में आका कहता कि वो व्यक्ति वापस चर्च में गया, जाके उसने पास्टर के साथ बात की, पास्टर उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू की, और वो चंगा नहीं हो रहा था। उसने मन फिराया, तौबा किया, बपतिस्मा लिया, प्रार्थना सुनने के बाद, सीखने के बाद दशमांश देना शुरू किया, दान देना शुरू किया, जो कुछ बाइबल कहती थी वो सब पूरा करना गया, लेकिन वो चंगा नहीं हो पा रहा था, वो चंगा नहीं हो पा रहा था। एक ने पास्टर से पूछा, पास्टर जी ऐसा क्या कारण है कि मैं चंगा नहीं हो पा रहा हूं, मैं जो बाइबल कहती मैं सारे काम कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में चंगाई क्यों नहीं है। आप प्रभु से पूछो, फिर मुझसे आप कहना। बाइबल कहती है जब वो व्यक्ति ये बात कहकर चला गया, 7 दिन पास्टर जी ने भी उपवास किया, प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद जब संडे फिर आया, चर्च खत्म हुआ, उसने पूछा पास्टर जी कुछ मैसेज मिला मेरे बारे में, बोला हाँ यार मिला तो है। बोला क्या, बोला तेरा किसी के साथ गुस्सा है, तू किसी को माफ नहीं कर रहा है, जब तक तू माफ नहीं करेगा चंगाई नहीं हो पाएगी। वो बोलता हाँ एक व्यक्ति है, मैं मेरा जिससे झगड़ा है, मैं उसको माफ नहीं कर पा रहा हूं। बोला कौन, मेरी पत्नी है, उसने धोखा मुझे दिया, मेरा पैसा उसने लिया, मेरी प्रॉपर्टी उसने ली, लेकिन शादी किसी और से की और मैं अकेला बीमार पड़ा हूं, मैं उसको कभी माफ नहीं कर सकता हूं। पास्टर ने कहा अगर तू उसे कभी माफ नहीं करेगा तो वो परमेश्वर भी तुम्हें कभी चंगा नहीं करेगा। माफ करने का अधिकार, उसकी पावर जो है कि अगर आपने किसी को क्षमा नहीं किया आप कभी ब्लेस नहीं हो सकते। हालेलुया। बहुत सारे पास्टर हैं वो किसी को माफ नहीं कर सकते। कितना लंबा प्रचार कर लो, कितनी लंबी दौड़ लगा लो, जब तक आप उस व्यक्ति को माफ नहीं करेंगे आपकी ग्रोथ कभी नहीं होने वाली है। पैसा आपको मिलेगा, कपड़ा आपको मिलेगा, गाड़ी आपको मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो चीज जहां प्रभु आपको लेके जाना चाहता है वो चीज कभी आपको नहीं मिल पाएगी। इस स्त्री ने जब उससे बोला गया कि अब कुत्तों को पहले खाने दो, है ना, पहले लड़कों को तृप्त होने दो, फिर क्योंकि लड़कों की रोटी कुत्तों को डाली नहीं जाती है, तो उस स्त्री ने गुस्सा बिल्कुल नहीं किया, और चाहती गुस्सा करती वहां से निकल चाहती, लेकिन वो वहां से आगे पीछे नहीं हुई। कारण क्या था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी उस स्थान को छोड़ करके कहीं और चली जाए। हालेलुया। वजह कहता है जब वो बात को उसने जे बात को सुना, अपने घर में गया, बार बार कार में आई,
कब तक माफ नहीं करेगा चंगा नहीं होगा, जब तक माफ नहीं करेगा चंगा नहीं होगा। तुरंत उसके मन में आया, उसने प्रार्थना की, परमेश्वर मैं तेरे नाम से आज दिल से अपनी पत्नी को क्षमा करता हूं, मेरा कोई झगड़ा नहीं, मेरी कोई लड़ाई नहीं, मुझे कोई गुस्सा नहीं, पैसा ले गई कोई बात नहीं, मुझे छोड़ गई कोई बात नहीं, बच्चे ले गई कोई बात नहीं, लेकिन मैं तेरे वचन पर खड़ा हूं, तूने कहा है माफ करोगे तो माफ किए जाओगे, मैं आज से उसे माफ करता हूं और अपने आप को फ्री करता हूं। जब उसने माफ किया, आगे से चर्च में गया और चर्च में जाकर के उसने बोला, पास्टर मैंने अपनी पत्नी को दिल से क्या किया है, माफ कर दिया, अब मेरा कोई गुस्सा नहीं है, मुझे कोई नाराजगी नहीं उससे। जब ये बात पास्टर ने सुनी वो भी खुश हुआ, उसने उसके लिए प्रार्थना की। आपको बताएं, प्रार्थना करने के बाद तुरंत परमेश्वर ने धीरे धीरे उसे खड़ा किया, चलने का बल दिया, वो व्हील चेयर से उठ करके चलना शुरू हो गया। वो कि माफ करने की ताकत जो है, अगर आप किसी को माफ करते हो परमेश्वर आपके सारे बंद रास्ते खोल देता है। हालेलुया। बहुत सारी दुनिया में आज ये हालात पैदा हुए हैं, लोग कहते हैं कि हम कैसे माफ कर सकते हैं, उसने मेरा जे बिगाड़ दिया, मेरा वो बिगाड़ दिया। आप अपने ऊपर ध्यान लगाना, जिसका आपने बिगाड़ा था क्या आपको उसने माफ किया कि नहीं किया, माफ किया कि नहीं किया। हालेलुया। हमने तो एक व्यक्ति के गुनाह की, छोटे से गुनाह बड़े गुनाह की बात करके कहते हैं कि हम उसे माफ नहीं कर सकते, लेकिन कोई आपको भी माफ करना नहीं चाहता था, लेकिन प्रभु यीशु ने आपके सारे पापों को क्षमा कर दिया। अगर क्षमा किया तो वो कहता है तुम्हारे पास राइट है, अधिकार है, अथॉरिटी है, तुम जिसके माफ करोगे उसके माफ किए जाएंगे, जिसके छोड़ दोगे उसके छोड़ दिए जाओगे। और वो कहता है अगर तू किसी को ब्लेस करेगा मैं उसे ब्लेस करूंगा, जो तुम्हें कोसेगा मैं उसे कोसूंगा। अगर आप नहीं माफ करें, खुदावंद आपको कभी माफ नहीं करेगा। मरियम दोषी हो गई, ये कोई छोटी सी स्त्री नहीं थी, प्रभु से बातें करने वाली थी, मैसेंजर थी, जे संदेशवाहक थी, जे क्योंकि घराना किसका था, मूसा का था, उसका भाई हारून भी प्रभु के साथ बातें करने वाला था, लेकिन एक छोटी सी बात ने जब विरोध किया, उसका विरोध क्या हो गया, उसके लिए उसके प्रति के बाड़ी पड़ गया, वो क्या हो गई, खोड़ी बन गई। मैं आज सुबह दाऊद के बारे में बात कर रहा था, दाऊद के बारे पढ़ रहा था, जब दाऊद नाच नाच कर आराधना कर रहा था स्वाचा के संदूक के आगे आगे, वो नंगे पिंडे था, तन पे कपड़ा नहीं था, शाही पोशाक उतारती थी, एक आम सा कपड़ा पहन के वो नाचता चला जा रहा था, किसके लिए, खुदा का वाचा का संदूक उसके घर में जा रहा था, उसके नगर में जा रहा था। उसे खुशी थी, उसे इतनी खुशी थी कि आज मेरे घर के अंदर क्या जा रहा है, वाचा का संदूक। वो वाचा का संदूक लेकर जब आगे बढ़ रहा था, बाइबल कहती है तभी उसकी पत्नी महल के अंदर से खिड़की खोल करके मिकाइल उसे देख रही थी और उसने उसे तुष्ट जाना, क्या कि उसने उसे तुष्ट जाना। जब तुष्ट जाना तो बाइबल कहती है कि जब दाऊद घर के अंदर प्रवेश किया तो जाकर उसे बोलती है, राजा आज तेरी कितनी इज्जत हो रही थी, तू गोलियों के बीच, आम लोगों के बीच, प्रजा के बीच कैसे तपुशियां मार मार करके नाच रहा था। आपको मालूम ये बात उसके मुंह से निकली परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी, देखा गया मिकाइल मर गई, उसके घर में कोई बच्चा पैदा नहीं, वो भैरन हो गई, वो बांझ हो गई। परमेश्वर नहीं बख्शता है जो परमेश्वर के लोग के विरुद्ध में बात करता है। कई बार एकदम रिजल्ट आता है, कई बार धीरे धीरे रिजल्ट मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है, मिलता जरूर है। खुदा के दास बाइबल कभी ये नहीं चाहती है किसी का नुकसान हो, लेकिन जब कोई नुकसान होता है तब आपके मुंह के शब्दों के द्वारा होता है। आप मुंह पे अच्छे हैं अच्छे हैं, पीठ के पीछे बहुत बुरे हैं बहुत बुरे हैं, तो बाइबल आपको कहती है दो चित्ते दो मुंह हैं, दो
मुंह है। एक सांप होता है जिसके मुंह, जिसका मुंह पीछे भी होता है, मुंह आगे भी होता है। बाइबल उस विश्वासी को, उस व्यक्ति को वो सांप बताती है, वो दोनों तरफों से दसता है, मुंह पर शोभा, पीठ पे बुराई। बल्कि जिस मुंह से वो देख रहा है उस मुंह पे क्या है, वो शोभा कर रहा है, दूसरे मुंह पे क्या कर रहा है, वो बुराई कर रहा है। उसे कहते हैं दो मुहा, सांप से भी खतरनाक विश्वासी। और आप कहते हैं मैं ब्लेसिंग हो रहा हूं, आप कहते हैं मेरी कोई तरक्की नहीं हो रही, आप कहते हैं कि मैं चंगा नहीं हो रहा हूं। कैसे चंगा हो पाएंगे, कैसे चंगा हो पाएंगे? अगर आपको डिलीवर होना है, अगर आपको चंगा होना है, अगर आपको आजाद होना है, मुझे आज आपसे कहना है, परमेश्वर कहता है हालेलुया, अपने विश्वास को मजबूत कर लो, परमेश्वर की बातों को सुनना शुरू कर दो। आप देखना आने वाले दिनों में आप बड़ी बड़ी गुहाइयों के साथ खड़े होंगे। हालेलुया, आप बड़ी बड़ी गुहाइयों के साथ खड़े होंगे, क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास के बिना सब कुछ अधूरा है, सब कुछ अधूरा है। थर्सडे मॉर्निंग बहुत बारिश थी तेज, तो हम लोग प्रार्थना में बैठे हुए थे दोनों बेड के ऊपर। वो कुछ दिन मैं ऊपर नहीं गया, बारिश तेज थी, ठंड बहुत थी। मैंने बेड के ऊपर प्रार्थना करना शुरू किया, जो टाइम था कोई 9:30 बजे का। मेरे फोन पे रिंग आई, मैंने फोन पिक नहीं किया। सडनली उसके तुरंत बाद इनके फोन पे रिंग आई, मैंने बोला उठाओ। जब फोन आया एक बहन ने बात करना शुरू किया, और उसके बाद उसके हस्बैंड ने बात करना शुरू किया। वो करीब 14-15 साल पहले हमारे साथ थे, हमारे संग थे, और उस समय उन्हें मैं डांटा था, मैंने किसी बात को लेकर डांटा था। वो डांटने के बाद छट छोड़ के चले गए थे, उन्होंने अलग सिस्टम बना लिया और चले गए। और उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में मेरे बारे में घर में जाके दोनों ने बहुत कुछ ऐसा उल्ट फुल्ट बोला, जो मुझे उन्होंने बताया मैं आपको नहीं बता सकता हूं। और जब समस्या जब तक नहीं थी तब तक उन्हें हमारी याद नहीं आई। बीच में आते थे मिलने के लिए, ऐसी बात नहीं कि मिलते नहीं, मिलते थे। प्रार्थना जब भी कोई आवश्यकता होती थी इधर आके प्रार्थना करवाना, प्रभु उसे ब्लेस करता था। पिछले दिनों उनके पास घर नहीं था, 2021 में वो गर्मियों में हमारे पास आए और बोलते पास्टर जी प्रार्थना करो, हमारे पास घर नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे। मेरे लिए मेरे मन में किसी के लिए कोई गुस्सा नहीं होता, जो गया वो भी मेरा है, जो जहां है वो भी मेरा है। हमें मालूम है जब पॉकेट में पैसे होते हैं ना, तो आप कुछ निकाल कर खर्च लेते हो, कुछ रख छोड़ते हो। तो कलीसिया भी ऐसे समझते हैं, हम लोग समझते हैं, जो चली गई वो पैसे जो यूज हो गए, जो क्या हो गए, यूज हो गए। प्रार्थना करते करते मैंने उसे बोला, पवित्र आत्मा मुझे ये कह रहा है तू घर से पहले गाड़ी लेगा, घर से पहले क्या लेगा, गाड़ी लेगा। प्रभु ने उसे उसी महीने में एक गाड़ी के साथ ब्लेस किया, न्यू गाड़ी के साथ ब्लेस किया, फिर घर की जमीन ली। लेकिन बीच में थैंक्स नहीं किया। और अभी जिस दिन उसने कॉल मुझे की, उसने बोला मुझे आपके 10 मिनट लेने हैं पास्टर जी। मैंने बोला मैं प्रार्थना में हूं, मैं बाद में करना कॉल। नहीं, बोले बहुत जरूरी बात करना है। मैंने बोला ओके। बोला आपको पता है मेरी पत्नी बीमार रही है, हॉस्पिटल में रही है, 1.5 लाख रुपया अभी लगा के मैं घर पे आया हूं। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे किसने बताया नहीं। बोला मैं वहीं पर था, मेरे भी दर्द निकला, मैंने एकदम से टेस्ट करवाए, स्कैन करवाई, डॉक्टर ने बोला तेरा गुर्दा डैमेज हो गया, एक गुर्दा डैमेज हो गया। मैं क्या, बहुत दुखी बात है। बोला नहीं, आज मैंने इसलिए कॉल किया कि जब आप प्रार्थना करते हैं मेरा छुटकारा होता है। और प्रार्थना करने से पहले उसने फिर वो बातें बताई मुझे जो मेरे बारे में उसने अपने घर में जाके उल्टा सीधा बोला था। बोला आज मुझे पवित्र आत्मा ने बोला तूने मेरे दास के बारे में उल्टा सीधा बोला,
ये वो सजा है, अब तू उसी से प्रार्थना करवाएगा और फिर मैं तुम्हें आजाद करूंगा। वो माफिया मांग रहा है। मैंने भाई मुझे पता ही नहीं कि आपने क्या बोला, मैं क्या माफ करूं आपको? आपने गुप्त में बोला, प्रभु ने देखा, आप उससे बोलो, आप वही माफ करेगा। जब जो चीज मुझे पता ही नहीं मुझे बारे में आपने क्या बोला, तो मैं आपको क्या क्या माफ करूंगा, है ना? सो मैं क्या कह रहा हूं कि कभी कभी विरोध जो है वो आपकी बहुत सारी आशाओं को ब्लॉक करके रखता है, आपकी बॉडी को डैमेज कर सकता है, आपकी आपकी जीवन को वो कष्ट में डाल सकता है। सदोम वगैरह क्यों नाश हो गया, वहां से क्यों लूत और उसकी बेटियां बच पाई, उसकी पत्नी नहीं बच पाई? क्योंकि लूत वो था जो अब्राहम का विरोध करने वाला था। परमेश्वर ने उसकी जायदाद को तो नष्ट कर दिया, कारोबार खत्म कर दिया, लेकिन उसकी जान को बचा लिया। उसका कारण यह था, अगर उसकी जान ना बच पाती तो ये सिंपल ना रहता कि परमेश्वर ने लूत पर विरोध करने के बाद भी दया की। आमेन, हालेलुया। और वचन कहता है कि जब आप विरोध करते हैं, किसी का भी करते हैं, आपके अंदर अगर छोटा विश्वासी भी है, छोटा सेवक भी है, अगर आप विरोध करते हैं तो आप ये देखना कि काम किसका वो कर रहा है, काम वो किसे कर रहा है, काम तो परमेश्वर का कर रहा है। बल्कि कहते जब एक राज्य के बेटे का शादी हुआ तो उसने सारे खास खास बंदों को क्या किया, इन्वाइट किया, आओ शादी में, आओ शादी में, आओ शादी में। सब लोग आने से इनकार कर गए। किसने बोला मैं नई नई शादी की है, मैं घूमने जा रहा हूं, मैंने नया खेत लिया है, मैं उस खेत में काम कर रहा हूं, मैंने नए दो बैल लिए हैं, मैंने उनके साथ हल चलानी है, मैं परदेश जा रहा हूं। सबने ऐसे बहाने मार मार करके क्या किया, वो सारा काम समाप्त कर दिया, आए नहीं। तो जब ये बात सुनी राजा ने, उसे गुस्सा आया और उसने कहा जाओ चौकों में, गलियों में, बाजारों में, जो लंगड़े लूले तुम्हें मिले, भिखारी मिले, सबको उठाकर ले आओ और उन्हें बोलो राजा के बेटे की शादी है और तुम्हारे लिए बोझ तैयार किया गया है। हालेलुया। और वचन कहता है जब वो लोग आए, सबके सब बैठे थे खाना खाने के लिए, जब राजा उसके अंदर से गुजरा, जब माल पिता आया, उसने देखा कि सब व्रती जिन्हें सब इकट्ठे हैं, वहां पर एक व्यक्ति था जिसके अंदर शादी के वस्त्र नहीं डाले हुए थे। शादी के वस्त्र क्या है? दुनियावी बात नहीं हो रही, ये स्वर्ग जाने की आत्मिक बात हो रही है। पवित्रता ही नहीं थी, शुद्ध मन नहीं था, अशुद्ध बातें उसके अंदर थी। हालेलुया। है भाई तू जहां पर कैसे आया है, तेरे पास शादी कपड़े है नहीं है, ठीक है? व्योने कपड़े ड्रेस उसके पास नहीं थी। और तब बाबा कहते हैं उस समय उस भाई को बोला गया, इसे उठाओ, हाथ पार बांधो, वो उस झील में डाल दो जो आग और गंधक की झील है, जहां पर रोना ही रोना है और दांतों का पीसना है। आज क्यों निराशा है, आज क्यों गरीबी है, आज क्यों बीमारी है, आज क्यों कष्ट है? एक ही कारण है, कुछ ना कुछ हमारे मुंह से दूसरों के प्रति उल्टा निकलता है। हम उनकी तरक्की को देख करके खुश नहीं होते, ब्लेस होने वाले व्यक्ति को देखकर और ब्लेस नहीं करते हैं, परंतु असली हम लोग छलते हैं, निराश रहते हैं। अब जितना आप उसके बारे में उल्टा बोलते हो, अगर उतना समय आप घुटने की तरह प्रार्थना करो, परमेश्वर मैं जानता हूं उससे ज्यादा ऊंचा आपको कर देगा, उससे ज्यादा ऊंचा आपको कर देगा। पर क्यों नहीं हो पाता, कारण क्या रहता है? हम दूसरों के बारे में ज्यादा टेंशन लेते हैं, अपने बारे में कम लेते हैं। आज उनके घर में धुआं निकल रहा है, आग नहीं जल रही, वहां का धुआं दिख रहा है, अपने घर का धुआं नहीं दिख रहा है। बाइबल कहती है तुम्हें दूसरों की आंख से तिनका निकालना और नजर आता है, लेकिन तेरी आंख में जो लट्ठा पड़ा है वो तुम्हें कभी दिखाई, दूसरे की आंख में छोटा तिनका है वो नजर आ रहा है, लेकिन अपनी आंख में कितना बड़ा लट्ठा है वो दिख नहीं रहा है। हम हमेशा दूसरों की कमियां निकाल में लगे रहते हैं, लेकिन बाइबल हमें ऐसा सिखाती नहीं है।
वो कहते विश्वास करने वाला व्यक्ति हर बंदे को अपने समानता में देखता है, अपने जैसा देखता है। हालेलुया, क्या करता है वो, अपने जैसा ही उसे देखता है। आज मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं, क्यों मिकाइल बैरन हो गई, क्यों वो बांझ हो गई, क्योंकि उसने अपने पति के विरुद्ध में बोला। पति पत्नी ध्यान रखें, कभी भी अपने हस्बैंड को, कभी अपनी पत्नी को कोसे मत, उस पर डांटे ना, उसे झगड़ा करते समय कोई ऐसा वर्ड्स ना बोले जो उसकी शान के खिलाफ हो। क्या पता परमेश्वर आपके ऊपर कोई ऐसा श्राप डाल दे कि आप सारी उम्र ब्लेस होते होते भी ना हो पा। इसी कारण से दाऊद को बैसस शादी करनी पड़ी, लेकिन वहां भी उसने गड़बड़ की, सजा मिली, उसका पहला बेटा मर गया। उसने मन फिराया, तौबा की, उसने बोला प्रभु मुझसे अपनी आत्मा ना ले, क्योंकि उसे मालूम है अगर एक बार गलती से पवित्र आत्मा निकल गया वापस आने वाला नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा को पवित्र स्थान चाहिए। क्या चाहिए? पवित्र स्थान चाहिए। अगर पवित्र स्थान उसे नहीं मिला तो मुझे लगता है कि वो कभी वापस नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए थे, राइट? हालेलुया, हुए थे ना। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा होने के बावजूद भी जब उन्होंने बैप्टिज्म लिया 30 साल की उम्र में, जब वो खड़े हुए पानी से बाहर निकले तो आकाश से क्या आया? कबूतर की मानिंद। क्या आया? पवित्र आत्मा। किस पे आया? प्रभु यीशु मसीह पर आया। आप समझ रहे क्या बात है? जब आया तब आकाश से एक आकाशवाणी होती है, क्या होती है वो? जे मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मेरा मन क्या है? प्रसन्न है। इसका क्या मतलब हुआ? कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ, पवित्र परमेश्वर का बेटा, पवित्र परमेश्वर है, फिर भी पवित्र आत्मा का सिंबल दिखाया गया कि पवित्र स्थान में ही पवित्र आत्मा ठहरेगा। हालेलुया, पवित्र स्थान में ही पवित्र आत्मा ठहरेगा, पवित्र सोच में ही पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र विवेक में, बुद्धि जो ज्ञान है जो चारों वंड डॉक्टर, हाँ मैं उसको जे कहूंगा, उसको वो करूंगा, जे कर, ये चीजें जो है आपको आत्मा से दूर लेके जा रही है। और दाऊद को इसी कारण से फंस गया था, इसी कारण से उसका जो पहला बेटा हुआ वो मर गया, उसके बाद सुलेमान हुआ। सुलेमान जब आया तब उसने, उसके गुनाह क्षमा हो चुके थे दाऊद के, फिर उसने खुदा के लिए एक बड़ा मंदिर बनाया जिसके बारे में परमेश्वर ने खुद बोला, इस मंदिर पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। बोला हालेलुया। अगर आप अपने आप को परमेश्वर के योग्य एक व्यक्ति बनाएंगे जैसा वो चाहता है, तो मैं आपसे कह रहा हूं परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर, आपके घराने के ऊपर खुली रहेंगी, उसके कान आपकी प्रार्थनाओं के ऊपर लगे रहेंगे, और कोई प्रार्थना आपकी रिजेक्ट नहीं होगी, कोई प्रार्थना आपकी रद्द नहीं होगी। मिकाइल ने दाऊद को रिजेक्ट किया था, परमेश्वर ने मिकाइल को रिजेक्ट कर दिया। हालेलुया, बाइबल कहती है अभिमानियों का परमेश्वर सामना करता है, लेकिन जो नम्र है वो उनके उनके ऊपर दया करता है। बोलो परमेश्वर मैं नम्र हो जाऊं तो मुझ पर दया कर। अपने सिर पे हाथ रख के बोलो परमेश्वर मैं नम्र हो जाऊं और मैं तुझ पर दया कर, मैं घमंडी ना बनूं ताकि मैं तेरा सामना कर पाऊं, मैं नम्र हो जाऊं और तू मेरे पर दया करता रहे। आमेन, हालेलुया। और वचन कहता है कि जब हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमें भी दूसरों के साथ
वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा बर्ताव परमेश्वर हमसे करता है। आमीन, हालेलुया। ये बहुत छोटी सी बात नहीं है कि परमेश्वर के जैसा परमेश्वर हमसे बर्ताव करे हम दूसरों के साथ वैसा बर्ताव करें। हम इंसान हैं, हमसे हो नहीं पाएगा, लेकिन बाइबल ये भी कहती है जो काम मनुष्यों के लिए कठिन है वो परमेश्वर के लिए बिल्कुल आसान है। आप बोलो, खुदा खुदावन तूने मुझसे प्रेम किया, मैं अपने पड़ोसी को प्रेम करूंगा। तूने मेरे गुनाह क्षमा किए, मैं अपने गुनाहगारों को क्या करूंगा, क्षमा करूंगा। आप कर सकते हैं पर करना नहीं चाहते। विश्वासी जीवन में अगर परमेश्वर की, हालेलुया, जो बेसिक शिक्षा नहीं है, विश्वासी कैसा है? आपके मुंह से अगर गाली निकलती है, धन्यवाद नहीं निकलता, आप कैसे विश्वासी? अगर आपके मुंह से किसी के प्रति बुराई निकलती है, आप उसके उसको आप नीचा दिखाना चाहते हो, और नीचा दिखाने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं विश्वासी हूं, आप विश्वासी नहीं है, अविश्वासी है। विश्वासी वो है जो सब कुछ सह सकता है। विश्वासी वो है, वो उस वृक्ष के समान है जो जबूरों की पोथी एक में कहा गया है, भजन संहिता में, कि उसके पत्ते कभी मुरझाते, हालेलुया, उसके पत्ते कभी मुरझाते। हमारे काम क्या होते हैं हमेशा, पशु जी आज जहां दर्द है, कल जहां दर्द है, कल को जहां दर्द है, वो दर्द आपके पत्ते मुरझाए हुए, आप विश्वासी नहीं बने अभी, आप अभी भी आ विश्वासी हैं। आ मतलब अभी आप डाउट में हो, अभी आप संघर्ष कर रहे हो विश्वास का। मैं आपसे कहता हूं विश्वास का संघर्ष खत्म करो, रियल विश्वास करना शुरू करो, देखना परमेश्वर आपके लिए सारे बंद रास्ते खोलना शुरू कर देगा। टोटली सारे रास्ते बंद खोलना शुरू कर देगा। और बच्चा कहता है जब मेरा परमेश्वर ये कहता है कि तेरी बेटी चंगी होगी, इसका मतलब आप चंगे हो गए। जब वो कह दे, जब उसका वचन कह दे, आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते हालेलुया तू चंगा, मैं तुम्हें चंगा करता हूं, उस समय जेजा देखो किसके बारे में बात कर रहा है, वचन उस समय आपके साथ बात कर रहा है, उस समय वो आपसे बात कर रहा है। बोलो हालेलुया। उस समय वो किससे बात कर रहा है? आपसे बात कर रहा है, क्योंकि बाइबल जब आप पढ़ रहे थे आपके लिए, प्रोसिकल थोड़ी है, इट्स फॉर यू, ये आपके लिए, आपके पड़ोसी के साथ बात नहीं कर रहा है, वो आपसे बात कर रहा है। अगर वो कहता है कि आप अपने पड़ोसी के साथ अपने सब प्यार करो, तब देखना प्रभु जी वचन पहले मेरे पास से, आप पड़ोसी को भी मुझे वैसा ही करना पड़ेगा जो तूने मेरे साथ किया है। प्रियो आसान नहीं मसीह जीवन, कठिन है, पर इतना भी कठिन नहीं है कि हम प्रभु की शिक्षाओं को अपने जीवन में क्या ना करें, ना लेके चल पाए। हालेलुया। वो भैरन हो गई वहां पर, भांज हो गई वहां पर, उसे बच्चा नहीं हुआ, वो वहां लिखा पता में अंतरी ही मर गई। क्यों यार? अंतरी ही मर गई। समझना है वचन के अंदर, किसी के विरुद्ध में अगर आप बात करते हो तो पता नहीं परमेश्वर कौन सी आपकी बड़ी आशीष को रोक देगा, कौन सी बड़ी चिंगाई को रोक देगा। अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचनों की पालना करना शुरू करें। अगर आप तरक्की पाना चाहते हैं तो आप परमेश्वर की चीजों के ऊपर ध्यान देना शुरू करो, ये मनुष्य की ओर मत देखो, क्या कह रहा है मनुष्य छोड़ो उसे, आप ये देखो मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्या करना चाहता है। हालेलुया। अगर आप दारू पीने वाले, नशा करने वाले, नशा बेचने वाले, नशा बनाने वाले हैं तो ये कठिन नहीं है कि आप छोड़ नहीं सकते, आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपने छोड़ने के लिए कभी प्रभु को बोला नहीं, प्रभु मैं ये चीज छोड़ना चाहता हूं। आपको शुगर हो जाए, डायबिटीज हो जाए, आपका बीपी बढ़ना शुरू हो जाए, कोई ऐसा रोग लग जाए, डॉक्टर जो आप कहता है कि जब मीठा कम कर दो, नमक कम कर दो, आपके कहते एकदम से बंद। परमेश्वर से ज्यादा हम किसकी बात मानते हैं? डॉक्टर की बात मानते हैं, जबकि डॉक्टर आपकी सिर्फ बॉडी को, आपके जिस्म को ठीक
भी कर सकता है। परमेश्वर की बात आप नहीं मानते हो जो आपकी आत्मा को दुरुस्त करना चाहता है, ठीक कर जाता है। बोलो हालेलुया। हम हमारी आत्मा जो है ना, आत्मा यही हमें तंग कर रही है, इसके गुनाह हमें तंग कर रहे हैं, इसके पाप हमें तंग कर रहे हैं, तो इसको हमें ठीक करना है। मैं कहता हूं शरीर तो नाशवान है पर आत्मा अविनाशी है। हालेलुया। आपका मेल प्रभु के साथ कैसे होगा? शरीर में होगा या आत्मा में होगा? बोलो आत्मा में होगा, क्योंकि आत्मा आत्मा को पहचान लेती है। इसलिए प्रियो विश्वासी बनना मने विश्वासी, विश्वास इस स्त्री के समान। पांव पे गिर जाओ, पांव पे गिर जाओ, ये मत देखो कि मैं क्या करने वाला हूं, क्या होने वाला है। नो, छोड़ दो। से आपके साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आप जो सोच रहे हैं अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन बाइबल उसके प्रति आपको क्या कह रही है ये भी देखना बहुत जरूरी है। चर्च में ऐसे भी लोग हैं, वो लाइव भी देख रहे होंगे इस समय, विश्वास ऐसा है संडे को चर्च में नहीं आना, संडे 8 बजे के बाद कॉल करने, पास्टर जी कल को मिलना है, मंडे को मिलना है। शर्म आती है उनको प्रभु की हुजूरी में आने के लिए, और वो मांगते क्या है, बड़ी बड़ी आशा, मैं इंग्लैंड जाऊं, मैं कनाडा जाऊं, मैं अमेरिका जाऊं, और उसके सामने आने से शर्माते हैं। बाइबल कहती है जो मनुष्यों के सामने मेरा नाम लेने से शर्माता है, एक दिन मैं भी स्वर्ग दूतों के सामने उसका नाम लेने से क्या करूंगा, शर्माऊंगा। वो कहेगा मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, तुम कौन हो? वो आएंगे, पास्टर जी मैंने प्रभु जी मैंने पास्टर जी को आके 100 रुपया देकर गया था, आपको मालूम नहीं, आपने वीडियो बनाई नहीं 100 रुपए की, भैया आपके 100 का नोट उसको नहीं पता चलता, वो तो पास्टर को पता दिया, उसे उसकी जरूरत नहीं है, उसे तो एतवार के दिन की इंतजार रहता है कि मेरे बच्चे आज मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। आप जहां पर घूमने नहीं आते, पिकनिक पे नहीं आते हो, बाइबल कहती आप अपने पिता को क्या आते हो, हालेलुया, क्या कर लेते हो आप पिता को, तो फिर यदि हम पिता को मिलने आते तो क्या करना है हमने, फिर हमें भी खुशी हो हमारा पिता हमारा वेट कर रहा है, हमें एतवार के दिन उसके साथ मेल करने के लिए जाना है। बोलो हालेलुया। और कौन है आपका पिता? आपका पिता स्वर्ग में, कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन, धरती मेरे पांव की चौकी। वो कहता जहां 2 या 3 मेरे नाम लेकर इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। प्रभु आज आप सबको मिलने के लिए जहां पर मौजूद है, हालेलुया, आज आप सबको वो जहां मिलने के लिए क्या है, मौजूद है। और वो आपको ऐसे नहीं जाने देगा जब तक वो आपको टच नहीं करेगा, आपको छुएगा नहीं, आपको ब्लेस नहीं करेगा, वो आपको जाने नहीं देगा। हालेलुया। मुझे याद है जब मेरे दादाजी जीवित होते थे तो मैंने जब स्कूल से आना और उसने आते ही मेरे हाथ पे 50 पैसे रखने, उससे 50 पैसे बहुत होते थे क्योंकि मैं स्कूल से आया हूं, 50 पैसे देने, जाओ जाके चीजी लेके खा लो, कुछ खा लो। बाप और दादा दोनों आपको मिलना चाहते हैं और आपको ब्लेस करना चाहते हैं। बोला हालेलुया। ओके, प्रभु यीशु मसीह ने बोला पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। हमने धरती पर क्या बना लिया, ग्रैंड स्पिरिचुअल फादर, धरती पर दादा आत्मिक पिता और एक और आत्मिक पिता, जबकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है संसार में, उसे कोई जानता नहीं है संसार में, उसकी पहचान भी प्रभु यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। अगर कोई मुझे बोले आत्मिक पिता, मैं कहता हूं नहीं बोलना, क्योंकि मैं कैसे बोलूं, मैं तो खुद एक पिता को मिलने के लिए आता हूं, आप मुझे बोलोगे क्या करोगे, आप उसको मिलो जिसने आपको जीवन दिया है, जिसने मुझे जीवन दिया है, आप उससे बात करो जो मुझसे बात करता है, आप उसके उसके पास आओ
जो जिसके पास मैं आता हूं। जब हम सब जे बात को समझ लेंगे तब उसका वचन पूरा होगा जिसने उसने मत्ती में कहा है ना कि तुम धरती पर किसी को भी अपना पिता पिता ना बनाओ। तुम्हारा एक ही पिता है, तुम्हारा क्या है, एक ही, कहां है वो, स्वर्ग में है। और फिर कहता है वो हमेशा के लिए बदलता, आज नहीं बदलता, कल नहीं बदलता, उसके आगे नहीं बदलता, साल बाद, दो साल बाद, दस साल बाद भी आ जाओ आपको वो सेम मिलेगा, आपको वो सेम। हमारी दाढ़ी चिट्टी हो जाएगी, बाल चिट्टी हो जाएंगे, बाल उड़ जाएंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, वो कहीं बूढ़ा नहीं होता है। हालेलुया, क्योंकि वो यहूदा के बब्बर शेर है, वो यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर है, वो बूढ़ा नहीं होता, वो ऐसा नहीं होता। उसके उसके साथ चलेंगे तो वो आपके साथ रहेगा, और जो उसके अंदर, हालेलुया, जो उसके अंदर पावर है वो पावर परमेश्वर आपके अंदर भी रिलीज कर देगा। इसलिए मुझे क्या कहना है, आपका फेथ, आपका विश्वास जो है बहुत बड़ा होना चाहिए। हम डॉक्टर की बात मानते, प्रभु की बात कब मानते? प्रभु कहता तुम उससे डरते हो, तुम उससे डरते हो जो तुम्हारा शरीर नाश कर देता है। हम किससे डरते हैं जो हमारा शरीर, शुगर आ गई हूं पता नहीं, बीमारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो मेरे, हालेलुया। पहली बात आपको बता दूं, आप इतने फ्री नहीं हो कि आपके शरीर के अंदर बीमारियां आए और जाएं। जब आलम क्यों आती है, जब आप प्रार्थना करनी छोड़ देते हो, संगति करनी छोड़ देते हो। कितने लोग ऐसे हैं जो महीने में एक बार काम करते हैं, कोई भी नहीं होगा, 30 दिन काम करने के बाद भी कहते हैं जी कुछ हल नहीं हो रहा है। सही है, लेकिन हम चर्च में एक महीने में एक बार आना चाहते हैं उसके साथ संगति करने के लिए, तो आपका गुजारा कैसे हो पाएगा? अगर आपको रियल गुजारा चाहिए, आपको रियल में काम करना चाहिए, तो मैं आज आपसे कह रहा हूं प्रभु को सातवें दिन का इंतजार रहता है। 6 दिन उसने भी काम कर लिया था और सब कुछ बढ़ा लिया था, लेकिन 7वें दिन वो बैठ गया। क्या करने के लिए बोला? आज मैंने आदम से बात करनी है, आज मैंने हवा से बात करनी है, आज मैंने अब्राहम से बात करनी है, आज मैंने नूहा से बात करनी है, आज मैंने आइजक से बात करनी है, आज मैंने जकूब से बात करनी है। परमेश्वर 7वें दिन फ्री होके जहां बैठता है वो आपसे बातें करने के लिए, वो आपसे मिलने के लिए, वो आपको छूने के लिए, वो आपको ब्लेस करने के लिए, वो आपको चंगा करने के लिए, वो आपको आगे लेके जाने के लिए, वो आपका इंतजार करता है। हालेलुया। और हमारा इंतजार कब पूरा होगा पता नहीं, वो आपकी वेट करता है। क्या आप उसकी वेट करते हैं? हालेलुया। कुछ लोगों का टाइम चर्च मैंने कहा 1 बजे का, 2 बजे का, 3 बजे का, 2:30 बजे का। आप क्या साबित कर रहे हैं प्रभु में आकर? हालेलुया। हमें इसलिए लेट आना पड़ता है क्योंकि हमने आपके लिए बहुत कुछ लेके आना होता है। जब तक खुदा बात ना करे मैं प्रचार नहीं करता, ओके, मुझे आपको आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, खुद की एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। पूरा वीक भी अगर प्रचार ना मिले तो मैं प्रचार के लिए फिर कैंसिल करता हूं, बोलता हूं आप कर लो। ये कहते मैंने नहीं करना, फिर आज प्रार्थना करके वापस भेजेंगे। ओके, बात तब समझ आती है जब खुदा समझाए, तब क्या करें। ये बाइबल ऐसे नहीं है जो मर्जी पढ़े और शुरू कर दे, ये समंदर है,
जैसे समंदर है, बोला हालेलुया। और समंदर में कोई ऐसे जाकर के पानी भर के बाहर नहीं आ सकता है, डर लगता है लहरों, तब लहरें ऐसे उठ दिया ऊपर। हम लोग देख के आए समंदर, मैं हैप्पी और आशीष ये तो मजे ले रहे थे, लेकिन मुझे डर लग रहा था। समंदर से ऊंची पहाड़ी पर हम खड़े थे, उसकी लहरें उतनी ऊंची जाकर के हमारे सिर पड़ रही थी, और मैं वहां पर डर रहा था कि पता नहीं कब से पहाड़ी बह जाए पानी में, समंदर में। तो बाइबल कोई छोटी चीज थोड़ी है, बाइबल आपको फिर सांगना शुरू कर देती है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, फिर वो आपको परफेक्ट व्यक्ति बनाते हैं। आप इसे प्रॉपरली पढ़ना शुरू करते हैं, इसे जानना काफी जरूरी है, इसकी नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे विश्वासियों को तो बाइबल के क्रमवार, क्रम अनुसार, डिटेल वाइज, सीरियल वाइज नाम भी नहीं पता कि कौन कौन सी किताब किसके पीछे किसके आगे आती है। जब हम बोलते ना, लोग पढ़ते ये आगे होगी पीछे होगी आगे होगी, क्योंकि कभी हमने सोचा ही नहीं, बाइबल को खोलते नहीं घर में जाकर के। अगर आप खोलेंगे तो आपको पता पत्ती के बाद कूच होगा, कूच के बाद गिनती होगा, लेविया होगा, निर्गमन होगा, ऐसे आपको फिर याद रहेगा सब कुछ। ओके, वचन कहता है कि ये वचन हमारे लिए हर दिन की रोटी है, हर दिन की रोटी। आप जैसे मान लीजिए रोटी खाते हो, सुबह खाओगे, दोपहर खाओगे, शाम खाओगे, आपको भूख लगेगी, लेकिन जब आप इससे खाना शुरू करोगे, हालेलुया, आपकी शरीर की भूख मिट जाएगी, आत्मा की भूख और बढ़ती चली जाएगी। आपको विश्वास स्ट्रांग करना है, अपना फेथ मजबूत करना है, विश्वास करके किसी के विरुद्ध में नहीं जाना है, कोई वर्ड्स नहीं बोलना है, ना जाने कब क्या हो जाए। जब वो लोग मुझे बात करने लगे, मतलब क्या करूं, बोला प्रार्थना करो हमारे लिए। मैं बोला ओके कोई बात नहीं, प्रार्थना करेंगे। उसने हम 5 मिनट प्रार्थना के छोड़ देंगे, आपको मालूम 1 घंटा 20 मिनट प्रार्थना उनके लिए किया, 1 घंटा 20 मिनट, ये सुनने के बाद के वो हमारे विरोध में, फिर भी 1 घंटा 20 मिनट प्रार्थना फोन पे की, और जो प्रभु ने मुझे दिखाया, मैंने बोला कि परमेश्वर ने मुझे एक व्हाइट कप दिखाया, लेकिन उसके अंदर जो ऑयल है वो जला हुआ है, वो काला ऑयल है, और वो ऑयल उछलता उछलता कप से बाहर निकल रहा है। और उसी समय उसकी पत्नी ने बोला, हाँ पास्टर, मैंने देखा मेरे घर के बाहर एक काला सा व्यक्ति खड़ा था जब प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने डांटना शुरू किया वो घर छोड़ के बाहर निकल गया। मैं बोला फिर आपका गुर्दा साफ है, जाकर टेस्ट करवा के आ जाओ। मैं आपसे मैं बता देता हूँ कि परमेश्वर चाहता नहीं है आप बीमार रहो, लेकिन हम जब दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, गलत बोलते हैं, तब वो बीमारियां हमारे अंदर कवरिंग करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। हमने कभी अपनी बुराई करने वालों को याद नहीं रखा, हम भूल जाते हैं। क्या कर रहे हैं बुराई करके? अगर हम उनको याद रखेंगे तो प्रभु को याद कब करेंगे? इसलिए आप कभी भी जिसने कोई भी नुकसान किया उसके प्रति सोचना बंद कर दो। आप जे सोचना शुरू कर दो, जो मुझे ब्लेस कर रहे हैं मैं उनके साथ चलूंगा, मैं उनके साथ चलूंगा। और परमेश्वर एक दिन आएगा जब आपको, आपके बच्चों को, आपके घरानों को ऊंचा उठाएगा। प्रभु को ब्लेस करें।